नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में आपकी तीन किताबें लगेंगी, क्षितिज, उसकी सहायक कृतिका और व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज का पहला पाठ, दो बैलों की कथा। बच्चों, पशु पक्षी भी मनुष्य की तरह प्यार के भूखे होते हैं। आपसी मेलजोल, प्रेम और समझदारी से क्या नहीं हो सकता, इस बात को दो बैलों की कथा से हम समझेंगे। इस पाठ को हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे ताकि हमें यह पाठ रुचिकर लगे। तो चलो पढ़ते हैं दो बैलों की कथा। लेखक प्रेमचंद जी के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख, लाभ हानि किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तोड़वाकर झूरी के पास भाग गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और वह उन्हें खाने की कोई कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें रूखा सूखा दिया और बांध दिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी और खाने को रूखा सूखा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। इस कहानी का अगला भाग आप अगली क्लास में पढ़ेंगे।